अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की रेसिपी है वाइट सॉस पास्ता और ये बहुत ही यम्मी लगती है, तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे रहने के लिए हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने पास्ता ली हूँ, आप देख सकते हैं ये 100 ग्राम के करीब पास्ता है। और मैंने एक बॉल थोड़ी सी कम मैंने चिकन बॉईल करके ली हूँ। और ये है गाजर हाफ कटोरी, जिसे इसे भी मैंने बॉईल कर ली हूँ। और ये है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। और ये है चिली फ्लेक्स, जिसे मैंने घर में ही बनाती हूँ। और अगर इसकी रेसिपी देखना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये पिज़्ज़ा के साथ जो दिए जाते हैं कुछ मसाले वो है। और साथ में मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च यानी हाफ़ मैंने शिमला मिर्च कटिंग की हूँ। और शिमला मिर्ची को मैंने उबाली नहीं हूँ। और इधर मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख दी और इसे हम लगभग 2 से 3 मिनट तक बॉईल करेंगे। और अब देख सकते हैं अच्छी सी इसमें उबाल आ गई है। और चेक कर लेते हैं इसे, एक कट करके देखेंगे और इस तरह से कट करेंगे। और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी वाइट होगी तो समझिएगा हो गया ये। और इसे मुझे थोड़ी सी पकानी है सॉस के साथ, यानी वाइट सॉस के साथ पकाएंगे इसे। तो चलिए अब पैन चढ़ाते हैं। और मैंने यहाँ पैन चढ़ाई है और इसमें हम 2 टीस्पून घी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, अगर बटर नहीं है तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर मैं अभी घी में बना रही हूँ तो मैंने 2 टीस्पून इसमें घी ऐड करेंगे। और साथ में हम इसमें इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और उसके बाद 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी मैदा। इस तरह से और इसे मिक्स अच्छे से भूजेंगे, यानी मैदे में से अच्छे से खुशबू आने लगेगी जब तक हम इसे भूज लेंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है जब ये मैदे और घी मेल्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से भूज गई है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसमें हम दूध ऐड करेंगे। इस तरह से कितनी अच्छी सी ये मेल्ट हो गई ये देख सकते हैं। और इसमें हम थोड़े थोड़े से करके दूध डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना पड़े, इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना आए। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। और पूरी मैंने ये छोटी वाली गिलास से मैंने 1 गिलास दूध अभी डाली हूँ और 1 गिलास दूध मैंने इसमें और ऐड की हूँ। थोड़ी थोड़ी करके ये ऐड की है, पर 2 गिलास मैंने छोटी वाली गिलास थी। अगर बड़े गिलास है आपको तो आपकी 1 गिलास से थोड़ी सी कमी लगेगी। और इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मिक्स हो गई है, इसमें डाल देंगे पास्ता, बॉईल की हुई पास्ता। और ये क्रीमी पास्ता कितनी अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और साथ में डाल देंगे चिकन, बॉईल की हुई चिकन, गाजर। और गाजर को मैंने भी बॉईल की हूँ, आप भी बॉईल करके ही रखिए। अगर बॉईल किए हैं तो आप इसे थोड़ी सी फ्राई कर लें। और साथ में डालेंगे शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च कच्ची है तो इसे हम लगभग 2 मिनट तक इसे इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। और ये वाइट सॉस पास्ता बन के रेडी हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। साथ में डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली हूँ और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की हो। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा मसाला भी है आपके घर में अवेलेबल तो आप उसे भी ऐड कर दें। मेरे पास है ये वाली तो मैं ऐड कर दे रही हूँ। और साथ में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के रिकॉर्ड। और ये देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी पास्ता बन के रेडी हो गई है। तो लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे करीब 2 मिनट तक, ताकि ये शिमला मिर्च है अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगे और ये पास्ता रेडी हो जाएंगे। तो रेसिपी कैसी लगती है आप ज़रूर बताएं प्लीज़ कमेंट में। और गैस के मैंने ऑफ़ कर दी और ये देखिए पास्ता कितनी अच्छी सी रेडी हो गई है। तो चलिए आपके साथ डिश आउट करते हैं।
तो चलिए सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में और आपको अच्छे से दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और झटपट चीज़ सुबह की नाश्ते में आप बनाइए। ये क्रीमी पास्ता और ये बन के हो गई है रेडी, माशाल्लाह बहुत ही यम्मी बनी है और बहुत ही चटपटी बनी है। रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ फिर से बोल रही हूँ, लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत ही गर्मा गर्म पास्ता खाने में बहुत ही मज़े की लगती है, सच बताऊँ तो इसकी टेस्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा की जैसी लगती है। जैसे हम चिकन पिज़्ज़ा खाते हैं, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा होता है ना, सेम वैसे ही टेस्ट है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपके लिए रेसिपी लेकर के आती हूँ जितनी भी इजी से हो सके, मैं वही रेसिपी लाती हूँ ताकि आपकी बनाने में बहुत ही आसान हो और कोई भी बना कर खा सके। तो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।